हेलो दोस्तों, आपका एम के स्टडी यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, एम के स्टडी चैनल पर आप सभी के लिए राजस्थान की विगत बढ़ती परीक्षाओं में राजस्थान जीके से पूछे गए प्रश्नों को हल कराया जा रहा है, जो आगामी बढ़ती परीक्षाओं के लिए यह महत्वपूर्ण साबित होगा। आइए दोस्तों, प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, यह पेपर प्रयोगशाला सहायक भूगोल संयुक्त सीधी भर्ती परीक्षा 2022 का है, जो 30 जून 2022 को आयोजित कराया गया। दोस्तों, जानते हैं इसमें राजस्थान जीके से कौन कौन से प्रश्न पूछे गए। माही परियोजना से लाभान्वित होने वाला जिला है कोटा, बूंदी, बांसवाड़ा या झालावाड़। ऑप्शन सी, बांसवाड़ा। राजस्थान में निम्न में से कौन सी रबी की फसल नहीं है? गेहूं, चना, जौ या बाजरा। ऑप्शन डी, बाजरा। राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र अवस्थित है सेवर, भरतपुर में, डेगाना, नागौर में, बालदा, सिरोही में या डंड, जयपुर में। ऑप्शन ए, सेवर, भरतपुर में। पशु गणना 2019 के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक भैंसों की संख्या वाला जिला है अलवर, जयपुर, भरतपुर या धौलपुर। ऑप्शन बी, जयपुर। निम्न में से कौन सी एक मीठे पानी की झील नहीं है? पिछोला, पुष्कर, आना सागर, ताल छापर। ऑप्शन डी, ताल छापर। निम्नलिखित में से कौन सी कृषि जलवायु प्रदेश में बाजरा बोया जाता है? आर्द्र दक्षिण पूर्वी मैदान, आर्द्र दक्षिणी मैदान, उपार्द्र दक्षिणी मैदान या अर्ध शुष्क पूर्वी मैदान। ऑप्शन डी, अर्ध शुष्क पूर्वी मैदान। राजस्थान में सबसे छोटा कृषि जलवायु प्रदेश है शुष्क पश्चिमी मैदान, आर्द्र दक्षिणी मैदान, अर्ध शुष्क पूर्वी मैदान या आर्द्र दक्षिण पूर्वी मैदान। ऑप्शन बी, आर्द्र दक्षिणी मैदान। निम्नांकित नदियों में से कौन सी अंतः प्रवाही नदी नहीं है? लिक, मेंडा, बाकल या खंडेल। ऑप्शन सी, बाकल। राजस्थान में सबसे बड़ा कृषि जलवायु प्रदेश है फर्स्ट ए, शुष्क पश्चिमी मैदान, फर्स्ट सी, अति शुष्क आंशिक सिंचित क्षेत्र, सेकंड ए, आंतरिक जल निकासी शुष्क क्षेत्र, फोर्थ ए, उप आर्द्र दक्षिणी मैदान। ऑप्शन बी, फर्स्ट सी, अति शुष्क आंशिक सिंचित क्षेत्र। निम्न में से कौन सी नदी सावर झील में मिलती है? चंबल, आहू, बड़ेच, मेंडा। ऑप्शन डी, मेंडा। दोस्तों, इसे बेड़च।
नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी नदी जयपुर जिले में ऊपर प्रवाहित होती है? सोम, जोजड़ी, बाणगंगा, काली सिंध। ऑप्शन सी, बाणगंगा। नीचे दिए गए राजस्थान के जिलों में से किसकी सीमा पाकिस्तान से नहीं लगती? श्रीगंगानगर, जोधपुर, जैसलमेर या बाड़मेर? ऑप्शन बी, जोधपुर। निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? एक तरफ वन्य जीव अभयारण्य, दूसरी तरफ उनके जिले दे रखे हैं। शेरगढ़ अभयारण्य, सिरोही, ताल छापर, चूरू, राम सागर, धौलपुर, सज्जनगढ़, उदयपुर। ऑप्शन ए, शेरगढ़, सिरोही। अंगूठा गोलापुरा खनन क्षेत्र निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? भीलवाड़ा, जयपुर, अजमेर या अलवर? ऑप्शन ए, भीलवाड़ा। राजस्थान का निम्नलिखित में से कौन सा जिला अदरक के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? दौसा, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा या बूंदी? ऑप्शन सी, भीलवाड़ा। निम्नांकित में से कौन सी पर्वत चोटियाँ उनकी ऊंचाई के अवरोही क्रम में सही हैं? अवरोही क्रम का अर्थ घटते हुए क्रम में। अचलगढ़, जरका, दिलवाड़ा और शेर। शेर, दिलवाड़ा, जरगा व अचलगढ़। दिलवाड़ा, जरगा, शेर और अचलगढ़, या जरगा, शेर, दिलवाड़ा व अचलगढ़? ऑप्शन बी, शेर, दिलवाड़ा, जरगा और अचलगढ़। निम्न में से कौन सी नदी का अपना संपूर्ण प्रवाह राजस्थान में ही सीमित है? बनास, चंबल, लूनी या माही? ऑप्शन ए, बनास। रावतबाटा आणविक ऊर्जा संयंत्र निम्न में से किस जिले में अवस्थित है? कोटा, झालावाड़, बांसवाड़ा या चित्तौड़गढ़? ऑप्शन डी, चित्तौड़गढ़। एरिडिसोल्स राजस्थान के कौन से जलवायु क्षेत्रों में मिलती है? आर्द्र, अर्धशुष्क, शुष्क या उपआर्द्र? ऑप्शन सी, शुष्क। राजस्थान में लाल लोम मृदा पाई जाती है? सिरोही में, पाली में, उदयपुर में या जालौर में? ऑप्शन सी, उदयपुर में। निम्नलिखित में से वह जिला जहाँ तीन नदियों का संगम होता है? बांसवाड़ा, उदयपुर, सिरोही या डूंगरपुर? ऑप्शन डी, डूंगरपुर। कोराल नदी का संबंध निम्नलिखित में से राजस्थान के किस जिले से है? बूंदी,
बारा, सीकर या डूंगरपुर? ऑप्शन ए बूंदी। विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च, 22 मई, 22 अप्रैल या 13 अगस्त? ऑप्शन बी 22 मई। प्रोजेक्ट टाइगर वर्ष में आरंभ किया गया 1971, 1972, 1973 या 1974? ऑप्शन सी 1973। राजस्थान में स्वर्णिम चतुर्भुज निम्न में से किस शहर से निकलता है? अलवर, कोटा, बांसवाड़ा या उदयपुर? ऑप्शन डी उदयपुर। राजा अजमल किस लोक देवता के पिता थे? रामदेव जी, पाबू जी, देव नारायण जी या तेजा जी? ऑप्शन ए रामदेव जी। नेक्स्ट, राजसमंद जिले में स्थित मोलेला गांव किस लोक कला के लिए विख्यात है? मृण्मय मूर्ति कला, काष्ठ कला, वस्त्र छपाई या हस्तनिर्मित कागज? ऑप्शन ए मृण्मय मूर्ति कला। जयपुर चित्रकला शैली की विशेष प्रगति किस शासक के काल को माना जाता है? सवाई जयसिंह, सवाई ईश्वरी सिंह, सवाई राम सिंह या सवाई प्रताप सिंह? ऑप्शन डी सवाई प्रताप सिंह। हाड़ौती सेवा संघ का संस्थापक कौन था? अविन हरी, नैनू राम शर्मा, केसरी सिंह बारहट या ऋषि दत्त मेहता? ऑप्शन बी नैनू राम शर्मा। अठारह सौ सत्तावन के विद्रोह के समय मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? कप्तान सावर्स, मेजर वर्टन, कप्तान जेडी हॉल या मेक मैसन? ऑप्शन ए कप्तान सावर्स। मारवाड़ किसान सभा का प्रथम अध्यक्ष कौन था? हु वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ मारवाड़ किसान सभा? बलदेव राम मिर्दा, गुल्ला राम चौधरी, नाथू राम मिर्दा या मंगल सिंह कछवा? ऑप्शन बी गुल्ला राम चौधरी। नेक्स्ट, सत्रह सौ तैतालीस में सवाई जयसिंह की मृत्यु के बाद जयपुर की गद्दी पर कौन आसीन हुआ? भक्त सिंह, ईश्वरी सिंह, माधो सिंह या उम्मेद सिंह? ऑप्शन बी ईश्वरी सिंह। मेवाड़ के किस महाराणा ने अजमेर दरगाह के लिए चार गांव अनुदान में दिए?
महाराणा संग्राम सिंह, महाराणा जगत सिंह द्वितीय, महाराणा फतेह सिंह या महाराणा अमर सिंह द्वितीय। ऑप्शन बी महाराणा जगत सिंह द्वितीय। मुगलों से निरंतर संघर्ष में रहने वाले मारवाड़ जोधपुर के शासक का नाम बताइए। मालदेव, चंद्रसेन, जय सिंह, उदय सिंह या जसवंत सिंह। ऑप्शन बी चंद्रसेन। सिरोही का राजस्थान में विलय कब हुआ? 1952, 1948, 1956 या 1949। ऑप्शन सी 1956। संयुक्त राजस्थान का प्रधानमंत्री कौन नियुक्त किया गया? हु वॉज अपॉइंटेड द प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूनाइटेड राजस्थान, संयुक्त राजस्थान? बलवंत सिंह मेहता, माणिक लाल वर्मा, हीरा लाल शास्त्री या जय नारायण व्यास। ऑप्शन बी माणिक लाल वर्मा। सुशीला और भगवती का संबंध किस प्रजामंडल से था? मेवाड़ प्रजामंडल, जयपुर प्रजामंडल, मारवाड़ प्रजामंडल या बीकानेर प्रजामंडल। ऑप्शन ए मेवाड़ प्रजामंडल। सीताबाड़ी आदिवासियों का मेला किस जिले में लगता है? बारा, भरतपुर, जयपुर या बांसवाड़ा? ऑप्शन ए बारा। सच्चिया माता मंदिर, सूर्य मंदिर, हरिहर मंदिर कहाँ स्थित है? चित्तौड़गढ़, ओसिया, आवानेरी और आहुवा। ऑप्शन बी ओसिया। सहेलियों की बाड़ी राजस्थान के किस शहर में स्थित है? उदयपुर, जोधपुर, जैसलमेर या बीकानेर? ऑप्शन ए उदयपुर। दोस्तों ये प्रश्न विगत भर्ती परीक्षाओं में बार बार पूछा गया है, इसके आगे भी आने की प्रबल संभावना है। नेक्स्ट, सूर्यमल मिश्रण मिश्रण कृत वीर सत्सई किस राजपूत राज्य के इतिहास से सरोकार रखता है? कोटा, भरतपुर, बूंदी या झालावाड़? ऑप्शन सी बूंदी। गौसुंडी शिलालेख निम्न में से किस लिपि में लिखा गया? आर्मेनियन, बाबरू, देवनागरी या ब्राह्मी? ऑप्शन डी ब्राह्मी। निम्न में से किस एक के हड़प्पन स्थल से जोते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त हुए?
कालीबंगा, रोपड़, सोथी या नोहर? ऑप्शन ए कालीबंगा। कालीबंगा वर्तमान गंगानगर जिले में किस नदी के कांठे में स्थित है? सिंधु, आहड़, गग्गर या चिनाब? ऑप्शन सी गग्गर। निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ पुस्तक, दूसरी तरफ लेखक दे रखे हैं। बीसल देवरासो, नरपति नाल, कुमार रासो, दलपत विजय, बैली कृष्णन, रुक्मणी री, पृथ्वीराज राठौड़, राव जैतसी रोचंद, शिवदास गार्डन। ऑप्शन डी राव जैसी रोचंद, शिवदास गार्डन। राजस्थान में चंद्रभागा मेला अक्टूबर नवंबर में कहाँ आयोजित किया जाता है? कामा, भरतपुर, माउंट आबू, चित्तौड़गढ़ या झालापाटन? ऑप्शन डी झालरापाटन। राजस्थान के किस जिले में पत्थरमार होली प्रसिद्ध है? भीलवाड़ा, ब्यावर, सवाई माधोपुर या बाड़मेर? ऑप्शन डी बाड़मेर। निम्न में से कौन सा दुर्ग गढ़बीठली के नाम से जाना जाता है? अचलगढ़, सिवाणागढ़, तारागढ़ या मेहरानगढ़? ऑप्शन सी तारागढ़। बीकानेर के जूनागढ़ किले का निर्माण किसने करवाया? राव बीका, राव कल्याणमल, महाराजा राय सिंह या राव जैत सिंह? ऑप्शन सी महाराजा राय सिंह। नेक्स्ट, खालसा, खाकी, नागा राजस्थान के किस संप्रदाय के भाग हैं? राम स्नेही संप्रदाय, दादू पंत, चरणदासी संप्रदाय या लालदासी संप्रदाय? ऑप्शन बी दादू पंत। राणा प्रताप सागर बांध राजस्थान के किस जिले में स्थित है? उदयपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद या कोटा? ऑप्शन बी चित्तौड़गढ़। निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा सीमेंट उत्पादन में महत्वपूर्ण नहीं है? आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, राजस्थान, मध्य प्रदेश या केरल? ऑप्शन डी केरल। निम्न में से कौन सा चंबल बहुउद्देशीय परियोजना के अंतर्गत नहीं बना है? गांधी सागर बांध, राणा प्रताप सागर बांध, पोंग बांध या जवाहर सागर बांध? ऑप्शन सी पोंग बांध। बजाज सागर बांध किस नदी पर बना है? बनास,
चंबल, माही या लूनी? ऑप्शन सी माही। भारत में मरु विकास कार्यक्रम कब शुरू किया गया? 1977-78, 1987-88, 1977-97-98 या 1991-92? ऑप्शन ए 1977-78। राजस्थान का कौन सा शहर अजरक प्रिंट के लिए प्रसिद्ध है? बाड़मेर, अजमेर, सांगानेर या भीलवाड़ा? ऑप्शन ए बाड़मेर। कॉपेन के अनुसार कोई शुष्क ऋतु नहीं है, उष्ण तथा शीतल ग्रीष्म जलवायवीय लक्षण किस प्रकार की जलवायु को प्रदर्शित करते हैं? आर्द्र उपोष्ण कटिबंधीय, भूमध्य सागरीय, समुद्र पश्चिमी तटीय या आर्द्र महाद्वीपीय? ऑप्शन सी समुद्र पश्चिम तटीय। नेक्स्ट,